हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म? मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन हमारा टाइम डोमेन में होता है, तो कोई भी फंक्शन जब हमारा टाइम डोमेन में होगा उसको हमने केस में करना है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। तो हम क्या यूज करते हैं? लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, और मैंने इसकी वीडियो भी काफी बना दी है। नेक्स्ट मैं वीडियो इनवर्स लैपलेस पे ही बनाऊंगा। और इनवर्स लैपलेस क्या है? इसके ऑपोजिट, मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में करना हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ एस होता है हमारा, उसको किसमें करना हो? टाइम डोमेन में, तब हम यूज करते हैं इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो देखते हैं, फर्स्ट हम लैपलेस के बारे में देखते हैं। आपको स्मार्ट ट्रिक में ये है कि आपने लैपलेस के फॉर्मूले को याद रख लेना है, कर लेने हैं अच्छे से। इनवर्स लैपलेस कैसे याद करने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वन आ जाए, चाहे टू आ जाए, चाहे थ्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, वन टू थ्री फोर फाइव, एनी इंटीजर नंबर, तो उसका ऑलवेज होगा वन होगा तो उसका वन अपॉन एस लिखेंगे, टू होगा तो टू अपॉन एस लिखेंगे, थ्री होगा तो थ्री अपॉन एस लिखेंगे, फोर होगा तो फोर अपॉन एस ही लिखेंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कांस्टेंट का। तो नेक्स्ट है लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन वही होता है जिसका एम्पलीट्यूड वन होता है। तो ये चीज और ये चीज, फर्स्ट फॉर्मूला वन और यूनिट यूटी, ये सेम है। तो इसका भी आंसर, इसका आंसर ऑलवेज यूनिट स्टेप का वन बाय एस ही आएगा, ठीक है। और सेकंड, थर्ड क्या है? थर्ड है ई की पावर ए टी, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजली इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है ई की पावर ए टी, और यहां लिखा है ई की पावर माइनस ए टी, तो दोनों में डिफरेंस है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी e की पावर ए टी मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए हमें, तो e की पावर ए टी आ जाए तो उसका क्या होता है? उसका होता है वन अपॉन s। तो यहां है प्लस का a, यहां लिखेंगे हम ऑपोजिट, माइनस का a लिख देंगे, तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। आगे इसका लैपलेस e की पावर माइनस ए टी का, यहां माइनस है और यहां हम लिख देंगे प्लस, लिख देंगे एस प्लस ए लिख देंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा साइन ए टी का। साइन ए टी क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जो हमारे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन फंक्शन इसको बोलते हैं। उसका क्या होता है? साइन जैसे है ए टी, ए इट में भी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो साइन ए टी का होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये होता है इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ऐसी कॉस, तो इसको कैसे याद रखें? कॉस को, साइन को पता लग गया, साइन के साथ क्या है? ए, इसलिए ए ऊपर लिख दिया, नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस के लास्ट में क्या है? एस, कॉस किससे खत्म होता है? एस से, तो यहां आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये आपके दो फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं कि इसको कैसे याद रखते हैं। अब इसको याद करना हो गया कि साइन के साथ ए है तो ए ऊपर आ जाएगा, कॉस के, कॉस का लास्ट एस है तो एस के ऊपर एस आ जाएगा। तो ऐसे ही साइन एच ए टी, ये है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। तो इसका कैसे निकालेंगे? जब भी हमें हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होगा तो साइन और हाइपरबोलिक साइन का सेम ही है, पर डिफरेंस क्या है? हम लिखते हैं ए अपॉन एस स्क्वायर, तो यहां जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा यहां माइनस ही लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा, तो ये बाकी सेम है। तो ऐसे ही हाइपरबोलिक कॉस का कैसे होगा? कॉस फंक्शन का कैसे लिखेंगे? ये होगा एस अपॉन एस स्क्वायर, तो कॉस में हम प्लस लिखते थे और कॉस एच है हाइपरबोलिक है तो माइनस लिख देंगे, बाकी सेम है, इजी है इसको याद करना। ऐसे ही है टी की पावर एन, तो टी की पावर एन मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ भी आ जाए
तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो यहां एक चीज बात देखने वाली बात है, ये तब फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं जब हमारा एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन नंबर होने चाहिए, तब हम इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अब बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि एन की वैल्यू रैशनल में हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 3/2 हो, तो सर फिर कैसे करेंगे? तब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें इसमें बोलेंगे ऐसे, तो तब हमारा फॉर्मूला इसको गामा फंक्शन बोलेंगे, गामा फंक्शन एस प्लस वन अपॉन ये है एस की पावर एन प्लस वन। तो यहां डिफरेंस क्या आ गया, इसकी पावर बन जाएगी एस प्लस वन, तो यहां चेंज हो जाएगा, यहां सॉरी अब जब भी हमारे पास गम जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू एन की वैल्यू, अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू एन की वैल्यू 1/2 रैशनल में आ जाएगी, तो क्या करेंगे 3/2, 1/2, 5/2 ऐसे कुछ भी आ जाए तो कैसे करेंगे? तब हमारा फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा क्या होगा, तब हम लिखेंगे गामा फंक्शन, तो ये गामा फंक्शन है ऐसे है गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन ही रहेगा। तो ये गामा फंक्शन है, ये फैक्टोरियल से अलग है, टोटली डिफरेंस है। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हम बोलें कि 5 का फैक्टोरियल, तो हम लिखते हैं 5, 4, 3, 2, 1 तो 1 तक जाते हैं, तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। गामा फंक्शन टोटली डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है गामा फंक्शन। तो ऐसे ही ये है e की पावर ए टी साइन बी टी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला डायरेक्ट, बेसिकली जब भी e की पावर ए टी मैंने बोला था आ जाए, जिसको मैंने अल्फा टी अब लिखा है, अल्फा और बीटा में लिखा है, तब मैंने बोला था कि जब भी e की पावर होगी तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको देखते हैं साइन बी टी को, ऐसे साइन ए टी का क्या था, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आएगा बी अपॉन एस का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि इसकी e की पावर ए टी है प्लस की है, तो यहां माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट इसका बनेगा, ठीक है, तो पता चल गया होगा आपको। ऐसे e की पावर ए टी है तो साथ में क्या है कॉस बी टी, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे फिर से वही बात, कॉस बी टी है तो कॉस का क्या होता है एस अपॉन एस स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये ए का स्क्वायर होता है पर कॉस के साथ बी बीटा है तो बीटा स्क्वायर आएगा, और फिर से ये यहां प्लस का है तो यहां लिख देंगे माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो ये ए भी लिख सकते हो, ए भी मान सकते हो और अल्फा और बीटा भी इसको लिख सकते हो आप, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये हो गया। ऐसे इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका आएगा ए अपॉन तो ये है बीटा, और फिर से ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो साइन बी है बीटा है, तो ये आ जाएगा बीटा अपॉन एस स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, पर फिर से वही बात माइनस है तो यहां आ जाएगा प्लस ए अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही एक और फॉर्मूला e की पावर ए टी कॉस बीटा टी आ जाएगा, तो यहां भी प्लस आ जाएगा, बाकी सेम है। तो इतना मेरे ख्याल को आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करते हैं। तो लैपलेस के याद करने हैं, अब इनवर्स के कैसे करेंगे, तो इनवर्स को याद नहीं करना, लैपलेस से इसको कोरिलेट करना है कि यार इसका वन का क्या था 1/s, तो हमारे पास 1/s आ रहे, अब 1 वहां भी पता था मेरे को कि 1/s किसका होता है, हाँ 1 का होता है, तो सीधा लिख देंगे इसका आंसर 1 लिख देंगे। ऐसे यूटी इनवर्स लैपलेस है, यार क्या होगा इसका, यू एस होगा, हाँ सॉरी यहाँ एस होगा, तो क्या होगा, तो पता है इसका 1 ही होगा। ऐसे 1/s + a,
अब ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि एस की पावर कुछ स्केयर नहीं है, टू थ्री फोर नहीं है, तो इसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। तो वो किसके का है? एक्सपोनेंशियल का। तो मैंने बोला था, अब इसको कैसे याद रखना है कि ये लीनियर फैक्टर है तो ई तो आना ही आना है। अब क्या है, ये माइनस का है तो यहां हम प्लस लिख देंगे तो हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे ही यहां भी लीनियर है तो ई तो आना ही आना है। अब ए क्या है, प्लस का, तो हम माइनस लिख देंगे। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर में ऐसे है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां मैं ए लिख रहा हूं, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टू थ्री फोर, सॉरी फोर मतलब स्क्वायर होगा, जैसे वन होगा तो वन का स्क्वायर लिख सकते हो, फोर या नाइन हो या सिक्सटीन, ऐसे होगी क्योंकि उसका स्क्वायर बन सकता है। यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकती है, मीन्स यहाँ ए की वैल्यू हमारी वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ क्योंकि स्क्वायर है इसलिए ए की वैल्यू हमारी, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी फोर ऐसे होगी। ठीक है, फोर नाइन सिक्सटीन ऐसे ही होगी। अब देखने वाली इसमें क्या बात है, पहली बात है कि ये a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मैंने बताया था यह साइन का ही होता है जिसमें ऊपर a होता है, तो ये साइन ए टी का हो जाएगा। पर एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता, तो एग्जाम्स में मोस्टली वो क्या करता है, वो लैपलेस बोलता है कि इनवर्स लैपलेस तो निकालो, किसका ऊपर वो ऐसे लिख देता है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a ए कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ए स्क्वायर फोर नाइन कुछ भी हो सकता है, तो वो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तब हमें देखना है ये ए वाला नीचे जब आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए टी अपॉन ए आ जाएगा। इसका मतलब एग्जाम्स में ये नीचे चला जाता है तब आता है। ठीक है, यहां मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो यहां भी ऐसे ही है। तो इसका तो एस ऊपर आ गया, पता चल गया ये कॉस ए टी का ही होगा क्योंकि यहां नीचे प्लस है, पर फिर से वही बात एग्जाम्स में ऐसे नहीं आता, एग्जाम में भी इसका थोड़ा सा ऐसे ही आएगा। हाँ, इसका ऐसे आ भी सकता है क्योंकि ऐसे ही हमें पता चलता है कि ये कॉस का है, नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका चेंज आता है तो इसका चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही इसका देख लेते हैं, यहां क्या है माइनस है, तो ये किसका होगा साइन, तो ए से पता लग रहा है ये एच ए टी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे माइनस है। पर इसका भी पेपर में ऐसे नहीं आता, इसका भी पेपर में इनवर्स लैपलेस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो वो मोस्टली ये इसको मिसिंग करता है ए को, तो ये साइन एच ए टी अपॉन ए आएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। ऐसे ये एस है तो ये कॉस का बनना ही बनना है, पर इसमें क्या है, इसमें है माइनस, तो ये कॉस एच ए टी का बनेगा। अब यहाँ ए है इसलिए मैं ये ए लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये किसका है, यहां पेपर में ऐसे ही नहीं दिखा, यहां फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये तो मेरे को पता लग गया कि ये एन है तो इसलिए ये टी की पावर एन का होगा, पर मैक्सिमम कैसे आता है वो बोलते हैं इनवर्स लैपलेस पर फाइंड आउट करना है हमने, किसका, वो बोल देंगे ऐसे कि थ्री, तो वो बोल देंगे सिक्स अपॉन, तो नीचे लिख देंगे एस की पावर फोर। तो अब यहां पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे करना है, तो मैं बताता हूं आपको, जब भी एस की पावर फोर होगी तो इसको कम मानना है, तो कितना होगा, एस की पावर फोर है तो इसका मतलब एन हमारा थ्री होना था, तो थ्री होगा, तो यहां हमने लिख देना है थ्री का फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एन की, ये ऑटोमेटिकली टी की पावर थ्री बन जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, टी की पावर थ्री का करेंगे तो थ्री का फैक्टोरियल अपॉन टी की पावर एस की पावर एन प्लस वन, मतलब थ्री प्लस वन फोर होगा, तो थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है सिक्स। तो यहां से भी देख सकते हो कि फैक्टोरियल किसका होगा, पर यहां से इजिली पता चल जाता है क्योंकि ये टी की पावर फोर है, एक कम है तो वो कम लिख दो, फाइव होगी तो एक कम है तो कम लिख दो, पर देखना है कि फाइव का फैक्टोरियल 120 होता है, कि 120 है या नहीं, नहीं होगा तो इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा। ऐसे ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका भी टी की पावर एन ही होगा, पर हाइपरबोलिक में
होगा। तो अब यहां से मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं इनवर्स लैपलेस में कि अब अल्फा बीटा है इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ वो दे देंगे टू, यहाँ टू का स्क्वायर, यहाँ कुछ कर देंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, तो मैं बताता हूं कि कैसे करना है। और मेरे को तो याद नहीं इसको कैसे कर रहे हैं, मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ बी है, यहाँ बी है, इसका मतलब ये साइन ए टी का जैसे साइन बी टी का, तो साइन बी टी का होगा ये। तो ये साइन मैंने लिख दिया कि ये साइन बी का तो होगा ही होगा, क्योंकि साइन बी क्या है, बी एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब इतना तो मेरे को पता चल गया, पर यहां तो एस माइनस अल्फा भी है, इसका मतलब जब भी माइनस प्लस कुछ भी आता है इन बिटवीन, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी तो ये ई आएगा और ये अल्फा इसके ऊपर आएगा और साथ में टी आ जाएगा। तो यहां से माइनस है इसलिए यहां मैं इसको प्लस लिख दूंगा, तो मेरा आंसर इजिली अब आ गया है, ठीक है, आपको पता चल गया। ऐसे ये कॉस एस है, तो एस से पता चल रहा है ये कॉस का ही बनेगा, साथ में ये देखना है ये बी का बनेगा, बीटा टी का बनेगा। पर फिर से वही बात है, ये माइनस का है, इसके मतलब एक्सपोनेंशियल जिसको हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं ये लगेगी, ठीक है। तो साथ में ये माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये माइनस था ये प्लस का बन गया, अब यहां भी माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, यहां बी है, फिर से वही बात, यहां बी है तो मेरे को पता चल गया कि ये साइन बी टी का ही लगेगा। पर यहां क्या है, यहां हमारा प्लस है बीच में, तो यहां हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। अब यहां प्लस का है और यहां माइनस लिख देंगे, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनवर्स की, जस्ट आपने अपने माइंड में लैपलेस ट्रांसफॉर्म को रिमाइंड करना है, उसको याद रख लोगे, पेपर में लिख सकते हो, तो बाद में उसको जैसे इनवर्स लैपलेस आप अच्छे से कर सकते हो। इनवर्स लैपलेस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी मैं वन बाय वन आपको करवाऊंगा अच्छे से कि इसको कैसे स्मार्ट वे से करना है। तो आपको जो मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं और इससे अच्छी और स्मार्ट ट्रिक से वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।